बटे नंबर जो लगे वो कैसे लगा वो एज पर पोजीशन ही होता ना जिसकी यहाँ पोजीशन है अब हमें पता नहीं है कि वो सीमा यहाँ का बड़ा नहीं है बटा नंबर यहाँ का यहाँ का नहीं पता कैसे मालूम फिर वो उसमें पता क्या होगा उसमें मौके पे जिस जगह पे पोजीशन पे आदमी लगा वही बन जाएगी है ना बटा किया तो वही बन ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਵਾਰਡ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੱਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹਾ ਵਾਰਡ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੈਕਟਿਡ ਆਰਡਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਕੀ ਬਣਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ आप यहाँ पे आए नमस्ते सर सर ये कौन सा ढंग है सर आप यहाँ पे सही गलत है ना देखो मैंने आपको पहले ही बताया ना सर आपने कब बताया आप कब आए यहाँ पे जितना कुछ गलत हो रहा है सब गलत हो रहा है हमने फसल लगाई है किसान हैं जितना कुछ गलत कर रहे हैं आप तो दफ्तर में बैठे हो सर आप दफ्तर में बैठे आप पैर चलाते हो हमने सारी उम्र किसानी की है किसान की है हमने चुप करो ठीक है जो जमीन सरकार ने ली है ना कंपनसेशन इसका हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है ठीक है हम आपसे पूछ रहे हैं आप हमें बताना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ ना हाँ। आप मेरी बात सुन लो ना आपने बोल दिया हाँ। कुछ और बोलना आप बोलो मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या जवाब चाहिए हमें ये जवाब चाहिए आप बता देते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं लगाना है ये अगर कॉम्प्लेक्स में आपने तो पहली वादा हमें ये बताया ही नहीं कि ये कॉम्प्लेक्स में गई है किसमें गई है यहाँ पे हाईवे पटवारी आते थे हमें नहीं बताते थे बंसी गया कुलदीप गया हमें नहीं पता कौन आया कौन नहीं गया बोलो ना आपकी सर ये गलत बात है आप यहाँ पे मशीन लगा रहे हैं बिल्कुल गलत है जब हम आगे ना अपनी अड़ी पे फिर आप मत बोलना कि ऐसा हुआ नहीं ऐसा नहीं है कुछ भी मैं आपको एक चीज बताऊँ जो गवर्नमेंट ने लैंड लिया ना एक्सप्रेस वे बनाने के लिए हमें पता है आपको मालूम है ना एक्सप्रेस हाँ एक्सप्रेस बनना इतना पता था कॉम्प्लेक्स का नहीं पता था तो उसमें देखो ना एक्सप्रेस वे बनाने के लिए जमीन ली है कुछ जगहों पे कंपनी है वो कॉम्प्लेक्स बनाई है सड़क बनाई सर सरकार किसने बनाई है हमने बनाई है पता क्या चीज है कॉम्प्लेक्स जब बनेगा ना कॉम्प्लेक्स की गाड़ियाँ उतरने और चढ़ने वाला एरिया है अच्छा चलो लगा लिया तो आपने हमें पहले बताना चाहिए नोटिस देना चाहिए था ना कि यहाँ पे मत फसल लगाना सरकार ने चार गुना पैसे बनाए हैं चार गुना पैसे से हमें लेना देना ये हमारी जमीन है ठीक है ये हमारी हमने इस पे शुरू से काम किया माँ है ये आप तो दफ्तर में सब पेंसिल चलाते हो ये हमारी जमीन है मैं आपकी बात सुन रहा हूँ उसके लिए देखो ना आपकी अकेले की जमीन थोड़ी हमें दुगना पैसा नहीं चाहिए हमें जमीन चाहिए देखो पठानकोट से लेके या हमें कुछ नहीं चाहिए हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं बनना चाहिए और ये बंद कर दीजिए दिल्ली से लेके सर मैंने बोला ये कटरा तक एक्सप्रेस वे बन रहा है सिर्फ आप बात सुनिए एक तो पहली बात हमें वैष्णो माता के लिए आके इतना बड़ा सर्कल बनाया कि सरकार ने मोदी ने बनाया जिसने मर्जी बनाया ये गलत हमारा मन करेगा वहाँ पे जाने के लिए जब कहाँ से आप हमारी जमीन ले रहे हो आप वैष्णो माता के लिए इतना गंदा करते हो मैडम सिर्फ आपकी नहीं ले रहे हैं सिर्फ आपकी अकेले की जमीन नहीं है सिर्फ आपकी अकेले की जमीन है ये अड्डा है यहाँ पे या कुछ जन होगा ना यहाँ पे अपनी पैसे से आते हैं हमसे कहाँ से तो उनकी पैसे पर जो उनका घर चलता है अगर आप ये ऐसा करोगे पहली बार तो आपने हमें कोई नोटिस नहीं दिया ये सभी आते थे ये भी आते थे इन्होंने हमें बताया सब
सबको पता है, आपको पता नहीं है बताया सर, आपको पता है मैडम, नहीं पता हमें, सबको मालूम है, मेरे तो घर वाली जमीन दे तो ना आपके गए, इन्होंने मुझे बताया नहीं, बताया आपने, आया आपने, पूछिए ना आप अपने वालों से, उस दिन आपके ये आते हैं, आपकी कहाँ से, आपकी कहाँ से, घर है वहाँ पे, कहाँ पर आप, वो सामने, ये जिस पे काम चल रहा है आपकी जमीन है, ये मेरी जमीन है, आपने पाई पे मैंने लगाई, ये वाला पोर्शन, वो है मेरी जमीन, आपका पोर्शन नहीं है जमीन का, आप क्यों यहाँ, मेरी बात सुनिए, आप यहाँ, मेरे पोर्शन में भी आपने लगाई है, मैडम आपकी पोर्शन, आपने मेरे पोर्शन में भी जेसीबी लगाई है, मेरी फसल है, देखिए ना फसल लगी है, पेमेंट बनी है आपकी, मेरी बात सुनिए सर, फसल पे ना बर्बादी करना अच्छी बात नहीं है, ये आपके घर बर्बाद करेगी फसल, मैडम मेरे घर को बर्बाद करेगी, आपको पता है कनक जो होती है ना, ये हमारी चौथी होती है, हम इसको एक बार बुआई कर लेते ना, हम इसको बुआई भी नहीं करते, ये आप गलत कर रहे हो, आप अपनी मशीनें रोक दो नहीं तो हम अपनी जाने देंगे यहाँ पे, जान देने वाली क्या बात है, आपकी अकेले थोड़ी, क्यों सर, आपकी अकेले मेरी अकेली नहीं गई, इको मासूमों को पूछो, बोलिए ना आप, बोलिए ना मैडम, उसके पैसे बने होंगे ना, आपकी जमीन है ना, ये बेचारे शेड्यूल करते ना, इसलिए दबाव में बेचारे चुप रहते हैं, इनको पता है ये शेड्यूल ट्राई में है, इनको यहाँ पर चले, ये पूछना है, सभी दी गई है, बंद कर दो मशीन, उसके लिए पैसा मिल रहा है ना, पैसे की हमें कोई लेना देना नहीं सर, पूछिए आपको पैसे से है प्यार, किससे प्यार आपको, हमें पैसे से प्यार नहीं है, हमें से मिट्टी से प्यार है, अब कुछ में बातें आपको पता है, मिट्टी में खेलते हैं, आपको पता है हम जब यहाँ पे ऑन बंद कर दो, बंद करो, धूप में तपते हैं हम तपते हैं, आप नहीं तपते, आपको क्या, बंद कर दो मशीन, हम बोल रहे हैं आपको, ये आपकी जमीन है सर, ये हमारी है, ये हमारे ही ताई की जमीन है, हमारी जमीन है, गरदौरी कब्जा देखो किसका मालिक डाल दिया, इन्होंने पता नहीं जो मर भी गए हैं, हरिद्वार भी पहुंच गया उनको मालिक बना दिया, डाल दिया पैसे हमें मिला नहीं, जमीने बर्बाद कर दी हमारी, आपको मिली है पेमेंट, किसी को नहीं मिली, हमें किसी को नहीं मिली पेमेंट, जमीन बर्बाद कर दी, क्यों नहीं हल किया आपने, मशीन बंद करो, कब्जेदार के करिए तुसी सुनाओ ना, नहीं मेरी बात सुनो, फैमिली डिस्प्यूट है, बचपन में इनको ही देखा यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आपके जो भी अनपढ़ थे लोग नहीं देखा, आपका काम था समझाना, जो रिकॉर्ड के मुताबिक बनता है कंपनसेशन बनाई दी उन्हें भरा भरा अपनी जगह, मेरी बात सुनिए सर, भाई भाई का मसला नहीं आता, यहाँ पे जमीने जा रही है, इनका जो भाई होगा उसने नहीं, शुरू से हमने इनको ही देखा, इनका ही कब्जा था, इनकी ही सब कुछ था, आपने नहीं चढ़ाया होगा वो आपकी गलती है, हमने इनका लिखा है कब्जा लिखा, जो मालिक मालिक इनके भाई हैं, तो क्यों नहीं आपने पेमेंट करनी थी ना, पेमेंट हमने बना दी है इनकी, वैसे हमें पहली बात है हमें प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं, ठीक है, हमारे यहाँ पे नौजवान ने बेटी है, यहाँ पे अलग अलग इलाके के लोग आएंगे, हमारी नौजवान ने बेटी है, यहाँ पे चोरी होकर चारी चलेगी, हमें चाहिए मीडिया, यहाँ पे मैंने इनको मारा था, सिर्फ क्वेश्चन पुट किया था, कोई ऑर्डर है यही पूछा था ना आपसे, आपको कब मारा मैंने, अब आज भी ऐसे ही बोल रहे हो, ठीक है, आपको तमीज नहीं बात करने की, बीजेपी ने तो गंद डाल दिया, बीजेपी ने इतना गंद डाल दिया, बीजेपी ने पैसे नहीं लगा, हम बोल रहे मशीन रोको, हल्लो बोलो, चलो सारे चलो, रोको मशीन रोको, चलो चलो मशीन रोको, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए मशीन रोको, हमारी
क्या देखते हैं कि लोगों की जान और किसान को मारकर विकास कितना जरूरी है? सर वो तो आप मोदी जी से पूछिए जिनको इन मासूमों ने वोट दिए हैं कि किसानों की सुनेंगे। पंजाब से डरते हैं वो, इसलिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे गंद डाला हुआ है। सर दरिया इतना बड़ा है जहाँ पे इतनी माइनिंग हो रही है, KGF की तरह वहाँ बनाया हुआ है, वहाँ पे नहीं बनाया जाता, वहाँ सिडको को बेचा है इन्होंने, वहाँ पे सिडको फैक्ट्री को पैसे के दामों में बेचा और हमारी मासूमों की जान ले रहे हैं ये। क्या देखते हैं जम्मू कश्मीर में धारा 370 टूटने के बाद कितना नुकसान हुआ है जहाँ के गरीबों का और मजलूमों का? सर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। 370 हमारा वजूद था, हमारे महाराजों का वजूद था, वो इन्होंने तोड़ा है। जो ये मोदी है ना, इसने तोड़ा। कौन है ये मोदी? हम नहीं जानते, हमें अपनी जमीनें चाहिए, हम मोदी को नहीं देखेंगे, हम अपनी जमीनें लेते रहेंगे। मैडम एक चीज बताएं कि विरोध एक्सप्रेस वे का है या जो टर्मिनल यहाँ बन रहा है उसका विरोध? सर बस अड्डे का है, जो भी पता नहीं कॉम्प्लेक्स बनाते हैं क्या बोलते हैं उसका है। एक्सप्रेस वे अगर बन रहा है तो उसका विरोध? सर अगर एक्सप्रेस बनाना है तो हम बस अड्डा नहीं बनने देंगे। हमें ये नहीं था, हम बोलते चलो एक्सप्रेस ले रहे हैं। अगर एक्सप्रेस बनाते हैं इन मासूमों की, जिनकी जमीन की है, जिनका पैसा रोका गया है, जिनकी पता नहीं क्या डिस्प्यूट आए हुए हैं, उनका हल किया जाए और मेन ये देखा जाए, अब मेन कब्जा और गर्दोरी किसकी है वो देखा जाए। मालकों को छोड़ दीजिए, वो भाग भूग गए थे, जबकि हमें लोगों को, इन लोगों को 70-80 साल हो गए इस जमीन को बुहा
लगाते हुए इस जमीन को सोना बनाया। ये पानी था, दरिया था, यहाँ पे इस जमीन को हमने सोना बनाया। क्या आपको इससे पहले नोटिस कोई आया था कि आप फसल मत लगाइए? सर कोई नोटिस नहीं आया, पूछो उनको, अभी तक नहीं नोटिस दिया उन्होंने। हमने तभी तो ये फसलें उगाई है, तभी इतने महंगे इसमें खाद डाले है, और इन्होंने देखो ये क्या तबाही मचाई है। क्या देखते हैं कि कनक की फसल दोबारा लगाई नहीं जाती, बुआई नहीं जाती, और ये लगी लगाई फसल तबाह है हमारी। हम एक बार जब इसका बीज लगा लेते हैं ना सर, फिर खराब नहीं करते हम इसको, क्योंकि इसको स्त्योति मानते हैं, देवी समान मानते हैं। और ये पेंसिल से लिखने वाले रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसर यहाँ पे गंद डाल के भाग रहे हैं, इनको क्या पता रोजी रोटी पकी पकाई मिलती है ना, हमें पता, हम धूप में सड़ते हैं यहाँ पे। अच्छा मैम, ये कुल कितने परिवार है जिनकी जहाँ पे जमीनें आ रही हैं? सर ये है 25-30 लोग हैं, कुछ गुज्जर परिवार भी है जिनको अभी तक नहीं पता ये आए हैं नहीं आए, कोई अपना माल मवेशी लेके दरिया में गया, कोई कहीं गया है। क्या देखते हैं कि दरिया, जैसा आपने कहा कि सड़कों को दे दिए, जमीनों के CLU उनके लॉ पूरा नेचर चेंज किया जा रहा है, जो फसल वाली जमीनें थी उन्हें बंजर बना के जी, क्या देखते हैं सर? यहाँ पे फॉरेस्ट था पूरी, यहाँ पे लकड़ी थी, लकड़ी को अगर एक लकड़ी को काटना हो ना, परमिशन ली जाती है तहसीलदार की, नक्शा बनाया जाता है पटवारी से, और इन्होंने यहाँ पे हमारे पेड़ों की भी तबाही की। क्या देखते हैं, पर्यावरण बचाने की बात है लेकिन दूसरी तरफ तबाही है। सर इन्होंने ही की, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने की, हम दोष इसी को देते हैं और किसी को नहीं देंगे। सरकारों के रवैये किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 4 साल से चुनाव नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में मोदी को तो नहीं आने देंगे, चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो, हम नहीं उसको आने देंगे। मैडम क्या देखते हैं कि जिस तरह से आपने बोला कि एक्सप्रेस वे का विरोध नहीं है, विरोध है यहाँ पे जो टर्मिनल बन रहा है उसका विरोध? जी हाँ सर, यहाँ पे बस अड्डे का हम कॉम्प्लेक्स नहीं बनने देंगे, गंद नहीं डालेंगे। क्या इसका अगर मुआवजा हो जाता है तो क्या सर? हम मुआवजे के लिए नहीं तड़फ रहे, पूछ रही है आपको बस अड्डे का मुआवजा चाहिए? आपको अपनी जमीनें चाहिए ना, इनको अपनी जमीनें चाहिए सर, इनको बस अड्डा नहीं चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं यहाँ से शिफ्ट किया जाए टर्मिनल? सर हाँ, अगर इन्हें सड़कों को बेचा था तो वहीं पे बस अड्डा बना लेते ना, पैसे के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट को हरासमेंट कर रहे हैं, ये पोल्यूशन फैला रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे इतना अच्छा गांव था, हंसते बसते लोग थे, इनको बर्बाद करने के पे तुले हुए हैं ये। मैं जिस इलाके की आप बात करें वो यहाँ से कितना दूर है, वो इलाका जिस रावी की बात करें? बिल्कुल पास है सर, 1 किलोमीटर भी नहीं, आधा किलोमीटर ये सामने है दरिया, इसके पास सड़कों बनाए। आप चाहते हैं कि टर्मिनल वहाँ बने? वहाँ बने। सड़कों को क्यों बेचा इन्होंने? वहाँ पे पैसे के लिए बेच दिया। हमें कहते हैं तहसीलदार साहब 4 दुगना दे रहे हैं, इनको क्या पता कैसे बनाए हमने, 4 दुगने से क्या करना है इनके, 4 दुगना हमने देके हमें लूटा जा रहा है। काम लगा हुआ है और कुछ लोगों ने यहाँ पर आपत्ति जाहिर की है। बजवाल और मंजली का ये हमारा जंक्शन एरिया एक्सप्रेसवे का, कुछ लोगों को कुछ इश्यूज हैं अपनी लैंड को लेके, कंपनसेशन को लेके, ज़्यादातर लोगों के इंटरनल फैमिली मैटर्स हैं उसको लेके जैसे ही सुलझाते हैं अपने, तो पेमेंट्स ऑलरेडी सभी की, जैसे सरकार ने बनाई हुई एक्सप्रेसवे के जो भी रूल हैं उतनी पेमेंटें बनी हुई हैं लोगों की, जैसे ही अपने इनकी क्लियरिटीज़ होती हैं तो ये अपनी पेमेंट ले सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। जिन लोगों के क्लियर हैं उनको पेमेंटें मिल रही हैं, उनको कहीं रुकावट नहीं है। दूसरा रहा ये जंक्शन का हमारा बड़ा एरिया है, जैसे आप देखेंगे एक्सप्रेसवे की हमारी जो कंपनी लगी हुई है काम करने के लिए वो लगातार काम कर रही है, तो ऑब्स्ट्रक्शन ऐसे हमें नहीं क्रिएट करने चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट भी है, इल्तिजा लोगों से कि आप मेहरबानी करके जो एक्सप्रेसवे का काम है इसमें रुकावट ना डालें, इसको लगातार होने दें। टाइम पीरियड है इसका, टाइम लाइन है इसकी, उस डेड टाइम लाइन से हमें पहले इसको कंप्लीट करना है। सर क्या सारी जमीन जो है वो सरकारी रकबा है, कुछ प्राइवेट लैंड्स भी है? इसमें प्राइवेट लैंड भी है, मैंने आपको पहले ही बताया प्राइवेट लैंड है, उनकी कंपनसेशन बनी है लोगों की, जिन जिन मालिकों की है वो कंपनसेशन बनी है, वो जैसे क्लियरिटी होती रहती है उनकी वो पेमेंटें ले रहे हैं, जिनकी क्लियर हमने ले ली हुई है। सर लोगों के आरोप है कि नोटिस भी नहीं मिले थे और आते ही जो है कंस्ट्रक्शन का काम लगा, सभी लोगों को मालूम है कि लैंड जो है अक्वायर हुई है, इसमें किसी भी किस्म की बुजाई नहीं करनी है, सभी को मालूम है ये चीज। पब्लिक नोटिस भी इशू कर रहे हैं, पब्लिक नोटिस इशू हुए हैं सभी को। सर ये लोगों का ये भी विरोध है कि यहाँ पे जंक्शन जो है वो नहीं बनाया जाए, एक्सप्रेस वे अगर जाता है तो वो यहाँ से चला जाए, अगर जंक्शन बनाना है तो रावी के किनारे जो इलाका है वहाँ पर बनाया जाए। मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, डेवलपमेंट एक अनस्टॉपेबल प्रोसेस है, वो हमेशा चलता है, लगातार चलता है। जब हमारे एरिया से रोड निकलने लगती है तो हम हमेशा बंद करवाते हैं वाली रोड्स, लेकिन जब किसी दूसरे के एरिया से निकल जाती है तब हमें दुख होता है कि उस एरिया में रोड निकली है, हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर अगर एक्सप्रेसवे का जंक्शन बनेगा तो जंक्शन गाड़ियाँ इनलेट आउटलेट होगा, यहाँ पर पेट्रोल पंप होगा या जो भी फैसिलिटीज़ बाकी डेवलप होंगी इस एरिया में, तो वो एक्सप्रेसवे में चलने वाले लोगों के लिए भी सुविधा है, वो यहाँ के लोकल लोगों के लिए भी बिजनेस पॉइंट बनेगा। सो डेवलपमेंट ऑन द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन नेचर एंड एनवायरनमेंट कितना जरूरी रहेगा? एक तरफ आप एनवायरनमेंट को बचाने की बात करते हैं लेकिन दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर पेड़, फसल, क्रॉप और वेजिटेशन को तहस नहस किया जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि जो चीज़ इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, जितनी ज़मीन चाहिए वो ली जा रही है, उसमें
प्रोजेक्ट की तरफ से जो कंपनसेंट्री इनकी रहेंगी असिस्टेंस रहेगी एफॉरेस्टेशन वगैरह को लेके वो ज़रूर होंगी इसमें। अब ये इतना नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है, हम उसको छोटी सी किसी चीज़ के लिए लेके अपने रकबे के लिए कि हमने यहाँ जंक्शन नहीं बनने देना, तो मुझे लगता है वो जायज़ चीज़ नहीं है। आपके जो इश्यूज़ हैं, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सभी लोगों से जो एक्सप्रेस वे में आ रहे हैं, कोई भी इशू आता है तो आप मेरे पास आएँ, आप डी साहब के पास रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपना इशू, लेकिन मेहरबानी करके मौके पर काम को मत रुकवाएं, इस काम को डिले मत करवाएं। काम रुकवाया गया है सर, क्या देखते हैं आगे क्या काम शुरू होगा? मैं स्पेशली आज की डेट में यहाँ पर यही आया था कि अगर कोई इशू है इनके साथ तो यहाँ पर कुछ लोग मेरे ऑफिस में नहीं आए हैं, तो यहाँ पर बैठ के इनके साथ डिस्कस करके उसका कोई हल निकालें। तो जैसे कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है, हालांकि आप देखेंगे जो फीमेल है वहाँ पर, जो मुझे फील्ड स्टाफ ने बताया, उनका तो रकबा भी नहीं है ऊपर वाली साइड जहाँ पर उन्होंने हंगामा किया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। अब सरकारी काम में रुकावट डालने के लिए मुझे लगता है उसके भी कानून के अंदर, कानून के दायरे में कुछ ना कुछ चीज़ें रहती हैं, तो प्लीज़ कानून को अपने हाथ में मत लें, ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन या ऐसी रुकावटें मत पैदा करें कानूनी काम में। कार्य कब फिर से शुरू होगा सर? ये कोई रुका हुआ काम थोड़ी है हमारा, ये कंटिन्यू चलेगा, इस काम में किसी भी किस्म की कोई रुकावट। मशीनें बंद करवाई हैं इसलिए बोल रहे हैं? वो टेम्परेरी हुई हैं हमारी मशीनें बंद, लेकिन ये काम जो है लगातार चलेगा और काम होगा ये वाला। थैंक यू।